क्या आप जानते हैं कि हम 12 खिलाड़ियों की एक ऐसी टीम बना सकते हैं जिसमें वो क्रिकेटर्स शामिल हैं हु हैव मैरिड एक्ट्रेसेस? इंडिया और पाकिस्तान से अगर हम खिलाड़ियों को चुनें तो बहुत आसानी से 12 खिलाड़ियों की टीम बन सकती है। इसमें एक पाए के कप्तान भी हैं, एक आउट क्लास विकेट कीपर भी हैं, वर्ल्ड क्लास स्पिन अटैक भी है, फास्ट बॉलर्स भी हैं और नाकाबिल शिकस्त बैटिंग लाइन भी है। सबसे टॉप पर बैटिंग कर सकते हैं भारतीय विकेट कीपर KL राहुल, जिन्होंने शादी की है अन्ना यानी सुनील शेट्टी की बेटी से। सुनील शेट्टी की बेटी अतिया ने भी कई भारतीय फिल्मों में काम किया। इनके साथ ओपनिंग जोड़ी होगी मोहसिन खान की। मोहसिन खान ने इंडिया में भी फिल्मों में काम किया, मोहसिन खान ने पाकिस्तान में भी फिल्मों में काम किया। नजर तुमसे मिलाकर मेरा दम टूटेगा। 1984 में जब इनका करियर पीक पर था तब इन्होंने टॉप की भारतीय एक्ट्रेस रीना रॉय से शादी की थी। नंबर 3 पर आएंगे विराट कोहली। Kohli realizes this is probably his last go at him. And what a finish this is. What a finish. विराट कोहली की शादी जैसे सबको पता है अनुष्का शर्मा से हुई है, जो एक बहुत टॉप क्लास इंडियन एक्ट्रेस है और बहुत सारी फिल्मों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के साथ भी आ चुकी है। इसके बाद आते हैं नवाब मंसूर अली खान पटौदी। जी हाँ, सैफ अली खान के वालिद साहब और अपने ज़माने की टॉप मोस्ट हीरोइन शर्मिला टैगोर के शौहर। कप्तानी के लिए भी इनसे ज़्यादा मौजूद खिलाड़ी कोई नहीं होगा, क्योंकि नवाब मंसूर अली खान पटौदी एक ऐसे कप्तान थे जिनकी कप्तानी में इंडियन टीम में काफ़ी चेंज आए। 5वें नंबर पे पाकिस्तानी बैट्समैन वकार हसन हो सकते हैं। बिल्कुल, वकार हसन साहब 50s में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक मायानास स्ट्रोक प्लेयर के नाम से मशहूर थे। क्रिकेट से किनारा कशी अख्तियार करने के बाद जब उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया मसाले का, बहुत मशहूर इनकी कंपनी थी और आज तक चल रही है, वकार हसन साहब ने शादी की जमील रज्जाक साहिबा से। जमील रज्जाक वॉज एन अप एंड कमिंग एक्ट्रेस और इनने कुछ पाकिस्तानी फिल्म में काम किया। एंड शी बिलोंग टू अ फैमिली जिसके अंदर काफ़ी अदाकार थे। इसके बाद आते हैं मोहम्मद असदुद्दीन। जी हाँ, मोहम्मद असदुद्दीन की दूसरी शादी थी संगीता बिजलानी से, जो त्रिदेव में वैसे ही लोगों पर बिजली गिरा चुकी थी। इसके नीचे आते हैं शुएब मलिक। शुएब मलिक ने अपना करियर एज एन ऑलराउंडर शुरू किया था, लेकिन अब वो एक मुस्तनद बैट्समैन और एक आला पाए के फील्डर भी हैं। अब वो भी उन टीम में शामिल हो चुके हैं जिसमें बेगम आज अदाकारा हैं और शौहर क्रिकेटर्स हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के हरभजन सिंह और युवराज सिंह, इन्होंने भी स्मॉल टाइम एक्ट्रेसेस से शादी की। युवराज सिंह की शादी हुई है हेजल कीच से, जो फिल्म बॉडीगार्ड में सलमान खान और करीना कपूर के साथ उन्होंने एक्टिंग की। हरभजन सिंह की गीता बसरा से शादी हुई। गीता बसरा ने भी कुछ फिल्मों में अदाकारी की। कमिंस कंटिन्यूज। शॉर्ट लेग। अगर इस वक्त किसी भी टीम के लिए ऑलराउंडर चाहिए हो तो सबकी नजरें हार्दिक पांड्या पर जाती हैं। हार्दिक पांड्या ने भी शादी नताशा स्टैंकोविच से की। अब आते हैं फास्ट बॉलिंग पे ही जाते, तो उसके लिए दो ऐसे नाम आएंगे जिन्होंने शायद एक दूसरे को कभी खेलते भी नहीं देखा हो। 70s और 80s के सरफराज नवाज और 90s और 2000 के जहीर खान। जहीर खान ने शादी की है PV एक्ट्रेस सगरिका घाटके से, जबकि सरफराज नवाज रानी के तीसरे शौहर थे। रानी पाकिस्तान की मायानाज एक्ट्रेस, डांसर, प्रोड्यूसर। हम क्यों रहे अकेले,
पाकिस्तानी फिल्मों में रानी से अच्छा शायद ही कोई डांसर हो। रानी ऐसे ऐसे किरदार अदा करती थी कि आदमी दंग रह जाता था और उसे यकीन करना मुश्किल हो जाता था कि ये वही एक्ट्रेस है जिसने पिछली फिल्म में बिल्कुल अलग किरदार अदा किया था। तो अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हमने इस वक्त 12 खिलाड़ियों की ऐसी टीम बनाई है जिसमें बेगमात पर्दे पर अदाकारी करती हैं और शौहर हजरात मैदान में।